सुतोमु यामागुची एक नौसेना इंजीनियर। ये जब 29 साल के थे तब 3 महीने की बिजनेस ट्रिप के लिए हिरोशिमा नामक शहर में जो कि जापान में स्थित है। 6 अगस्त 1945 में यामागुची जब अपने घर नागासाकी लौटने के लिए उत्सुक होकर शिपयार्ड की ओर जा रहे थे, कुछ ही समय बाद पहला एटॉमिक बॉम्ब जो अमेरिकन B-29 बॉम्बर एनोला गे द्वारा छोड़ा, इस परमाणु विस्फोट से उनका चेहरा और बाहें पूरा जल चुका था और उनका दोनों कान के पर्दे फट गए। 9 अगस्त 1945 नागासाकी में 3 दिनों में दूसरी बार उन्हें परमाणु विस्फोट के 2 मील के भीतर होने का दुर्भाग्य था। मित्सुबिशी इमारत से भागने के बाद यामागुची अपने पत्नी और बेटे की जांच करने के लिए पहुंचे और उनको रेफ्यूज टनल में लेकर चले गए। फिर 1957 में इन्हें हिबाकुशा मतलब विस्फोट से प्रभावित व्यक्ति की रूप में पहचाना गया। 4 जनवरी 2010 को 93 वर्ष की आयु में पेट के कैंसर से उनका निदान हो गया। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।